Okay, so we'll continue with the LSM method, right? In the last class, we have discussed some of the basics of limit state method. Now we'll move further on. Let me share my screen with you. Okay, so can you see my screen here? Yes, sir. Yes, sir. So is it visible? Good. So in the last class, I told you about the basics of this LSM method, limit state method, right? I told you that इसमें जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, कॉन्क्रीट के लिए 1.5 लेना है, स्टील के लिए कितना लेना है 1.15, ठीक है। तो परमिसेबल स्ट्रेस कितना हो रहा था कॉन्क्रीट के लिए 0.45 एफसी के, और परमिसेबल स्ट्रेस फॉर रेनफोर्समेंट वॉज 0.87 एफवाई, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, परमिसेबल स्ट्रेसेस क्या है, ठीक है। लोड में मैंने बताया था आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिजाइन लोड के लिए, ठीक है। उसमें आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो किस फैक्टर पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन फाइंड हियर, ठीक है। ये आपने देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि LSM मेथड में दो डिजाइन होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। इन दोनों से लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट मेथड में दो डिजाइनिंग और होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए। तो कोलैप्स में क्या आता था, जो भी फ्लेक्चर है, शेयर है, कंप्रेशन, टॉर्शन, ये सब कोलैप्स में आते थे, ठीक है। और हम लोगों को उसके साथ साथ सर्विसिबिलिटी को देखनी पड़ती है कि उसकी क्या सर्विसिबिलिटी है कि नहीं है, परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो विल चेक फॉर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एंड करोजन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी इसमें। फिर उसके बाद मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया था WSM और LSM में, जिसमें कि ये आया था कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है WSM का फॉर कॉन्क्रीट वो ज्यादा होता है, वो कम होता है किसके कंपैरेटिव, LSM के। मतलब LSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्क्रीट की ज्यादा रहती है, 3.33 रहती है, इसमें 3 रहती है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसी तरीके से स्टील में उल्टा हो जाता है, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.7 की रहती है LSM में, और WSM में कितनी की रहती है, 1.8 की। तो इसमें स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ली जाती है WSM में, ठीक है। सो दीज आर द कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, फ्रॉम टुडे टुडे आई विल डिस्कस दिस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय LSM मेथड, ठीक है। Okay, so singly reinforced beam by LSM method. So what are the assumptions? Assumptions are given in the IS code, page number 69, 3.81, right? So first assumption is that plane section before bending remains plane after bending. That means the strain diagram is also linear. So आप इसमें ये देखो, ये क्या है, एक rectangular section है, singly reinforced beam है. This is your effective depth and the width, ठीक है। इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ऊपर कॉन्क्रीट का स्ट्रेन दिखा रखा है 0.0035, नीचे स्टील का स्ट्रेन दिखा रखा है FY upon 1.5 ES plus 0.002, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँ। उसी तरीके से स्ट्रेस डायग्राम आप देखोगे, ठीक है। तो स्ट्रेस डायग्राम आप देखोगे इसमें, तो पहले वाले में जो हमने देखा था WSM में, वो कुछ लीनियर टाइप का आ रहा था, इसी तरीके का आ रहा था, ठीक है। बट इसमें देखिए इसका शेप चेंज हो गया है, स्ट्रेस डायग्राम का इसका शेप अब कुछ हो गया है, इस पोर्शन तक तो यहाँ तक तो ये पैराबोलिक हो गया, इसके बाद ये फिर स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो गया है इसमें, और जो नीचे स्ट्रेस ऑन द स्टील है वो 0.87 FY है, वो मैंने आपको बताया था पहले, 0.87 FY इज द स्ट्रेस इन द मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन द स्टील, एंड 0.45 FCK इज योर मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो ये मैक्सिमम है 0.45 FCK और 0.87 FY, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रेस डायग्राम है, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम में थोड़ा चेंजेस आ गए, देखिए पैराबोला हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये अभी नीचे एक्सप्लेन होगा आपको। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट आउटरमोस्ट कंप्रेशन फोर्स इज 0.0035। तो आउटरमोस्ट कंप्रेशन फोर्स में जो स्ट्रेन है वो कितना है, आउटरमोस्ट सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना जाएगा कंक्रीट में, 0.0035। सो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू, बिकॉज ये कई बार गेट में और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, ठीक है, कॉन्क्रीट में।
तो आपको बताना है कि इट इज 0.0035। ऑफ कोर्स स्ट्रेन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए एन एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन का भी शोन इन फिगर 21, मतलब ये आईएस कोड में गिवन है, ठीक है। ये इस तरीके से फिगर गिवन है आपको, एक टेबल सॉरी ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ प्लॉट किया हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का, ठीक है। तो ये किस तरीके से दिखा रहा है, कॉन्क्रीट के लिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप क्या करते हो, कॉन्क्रीट की जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब जहां पर स्ट्रेन 0.02 आएगा, ठीक है, वहां तक तो ये पैराबोला है। देखिए ऊपर वाले डायग्राम में भी देखिए, जहां तक का 0.02 स्ट्रेन है वहां तक का पैराबोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, तो 0.02 तक का क्या है, पैराबोला है। तो स्ट्रेन जब तक 0.02 है यहाँ तक का, ये जा रहा है पैराबोला, ठीक है, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है यहाँ तक का, कहाँ तक का, जहाँ तक मैक्सिमम स्ट्रेन है। मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था कॉन्क्रीट का, 0.035, यहाँ दिखाया था मैंने आपको 0.0535 मैक्सिमम स्ट्रेन है। यहाँ तक का ये वैल्यू जो आएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, मतलब कॉन्क्रीट मान लीजिए एमएम 20 है तो ये 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अचीव कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। बट डिजाइन पर्पस आईएस कोड ने क्या बोला है, हम लोगों को इसका सिर्फ 67% लेना है, तो 0.67 ऑफ द एफसी के हमने ले लिया है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ थोड़ी और कम हो गई, ठीक है, और कम दिखाएगा बिकॉज 67% ही ले रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है, मतलब 33% हम इसमें छोड़ दें। तो और उसके बाद हमने इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया कंक्रीट का, विच वॉज 1.5, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इस पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी 1.5 का, तो इसके बाद हमारी वैल्यू आई 0.45 एफसी के, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद 0.45 एफसीके को हमने बोला मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस, मतलब इससे ज्यादा परमिट नहीं करेंगे हम लोग, तो ये मैक्सिमम परमिसेबल है, ठीक है। जैसे कि WSM में हम देखते थे M20 के केस में मैक्सिमम परमिसेबल क्या होता था, 7 होता था, है ना। तो इसमें मैक्सिमम परमिसेबल कितना है, 0.45 एफसीके। एफसीके क्या है, इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो M20 का हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, M15 के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, FCK को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है एक्चुअल में, तो ये होता है FCK, बट कोड ने बोला कि आपको 67% स्ट्रेंथ लेनी है और उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग जाता है, तो रिमेनिंग जो बचता है वो सिर्फ इतना बचता है 0.45 FCK, इसी को लेके आपको डिजाइन करना होता है। ये परमिसेबल स्ट्रेस है, मैक्सिमम परमिसेबल, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप इतने स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस इतना है 0.45 FCK। देखिए मैंने यहाँ दिखाया भी है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 0.45 FCK, ठीक है। और स्टील में कितना होता है, 0.87 FY। FY इज योर यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड कितना होगा, Fe215 के लिए सॉरी Fe415 के लिए 415 होगा, Fe250 के लिए 250 होगा। अब देखिए फॉर डिजाइन पर्पस, ये देखिए फॉर डिजाइन पर्पस द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी अज्यूम टू बी 0.6 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डिजाइन के लिए हम लोगों को क्या लेना है, ओनली 0.67 ऑफ द एफसी के लेना है, डिजाइन हम लोग इसमें कम स्ट्रेंथ के कर रहे हैं, हालांकि इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी एफसी के तक का है, ठीक है। और उसमें भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं 1.5 को, ये भी मेंशन किया हुआ, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.5 शैल बी अप्लाइड इन एडिशन टू इट, ठीक है। उसके बाद जो आपका एंड रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर 0.45 FCK। नेक्स्ट assumption इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड, ठीक है। ये पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, WSM में भी हमने देखा था कि कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हालांकि होती है बट हम लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। हम ये मानते चलते हैं कि कॉन्क्रीट सारा का सारा कंप्रेशन ले रहा है और स्टील सारा का सारा टेंशन ले रहा है, तो हम ये मानते चलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टाइप ऑफ स्टील यूज, तो वेरियस ये आप अभी न्यूमेरिकल करते हुए देखेंगे, डिजाइन करते हुए देखेंगे कि अलग अलग टाइप के स्टील के लिए, ठीक है, जो भी रेनफोर्समेंट में स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। ये आगे अभी हम ड्राइव करेंगे इसके, ठीक है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का यूज करके, सो विल सी दिस वन। Now, for design purpose, we know that partial factor of safety of 1.15 shall be applied. किस चीज के लिए है 1.15, किसमें करना था हम लोगों को, for steel. Permissible stress in steel was this, मतलब yield strength upon factor of safety, that was 1.15, है ना। स्टील के लिए मैंने बताया reinforcement के लिए factor of safety 1.15 है, concrete के लिए factor of safety 1.5 है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है competitive exams में, so you should remember these things. तो ये आपका जो मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस है वो कितना आ गया, 0.87 FY, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन बोल रहा है, ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, मतलब टेंशन साइड वाली स्टील में, इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन दिस।
तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है, स्ट्रेन इन स्टील, ये स्ट्रेन का साइन होता है ई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन एस, मतलब स्ट्रेन इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन, इट शुड नॉट बी लेस देन एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपको, आप डायग्राम में देखोगे, ये देखिए तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कितना होना चाहिए, एफ वाई अपन 1.15 ES प्लस 0.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो स्टील में आएगा वो इतना रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेन जो कॉन्क्रीट में आएगा वो 0.0035 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से आया। ठीक है, तो एफ वाई अपन 1.15 तो बेसिकली क्या था, देखिए एफ वाई अपन 1.15 क्या है, यहाँ पर परमिसेबल स्ट्रेस है। तो ये करीब आपको क्या दिख रहा है, ये अगर मैं इसको लिख, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है, एफ वाई अपन 1.5 परमिसेबल स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस अपॉन ई एस। अब मुझे बताइए किस चीज का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ये किस, ये क्या चीज बनाता है, किस चीज से होता है, ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन स्ट्रेन होता है ना, सो दिस इज एप्सिलॉन, ये ई नहीं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑफ एस। तो स्ट्रेस देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन ई एस, तो ये क्या है, स्ट्रेन ही तो है, दिस इज योर स्ट्रेन। ये बोला स्ट्रेन शुड नॉट बी लेस देन एफ आई अपॉन 1.5, मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ आई अपॉन 1.5, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.87 एफ आई भी लिख सकते हो, एफ आई को अगर आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा 0.87 एफ आई, सो इट इज बेसिकली सेइंग दैट इट शुड नॉट बी लेस देन 0.87 एफ आई अपॉन ई एस प्लस 0.002। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन जो है रेनफोर्समेंट में, टेंशन रेनफोर्समेंट में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज भी आप ध्यान में रख के चलो, ये भी काफी बार पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए गेट वगैरह में क्या करते हैं, ये वैल्यू चेंज कर देंगे, या फिर इसको 0.87 की जगह 0.85 लिख देंगे, या फिर 0.003 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल चॉइस में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है, करेक्ट आंसर विल बी दिस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज स्ट्रेन इन स्टील प्लस 0.002, इतना ऐड और करना, स्ट्रेन में इतना प्लस और करना, तो मैक्सिमम स्ट्रेन ये रहे। तो दीज वर सम ऑफ द अजम्पशंस विच विल बी टेकिंग इन LSM व्हाइल डिजाइनिंग LSM। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे, मेन चीज है कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेस दिखाया था, स्ट्रेस का ब्लॉक दिखाया था, देखिए ये स्ट्रेन वाला था और ये स्ट्रेस वाला था। ठीक है, अब हम इसको एनालिसिस करके देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें कैसे आ रही है। ठीक है, तो लेट अस सी, अब आप देखिए ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सिंगली रेनफोर्स बीम है। ठीक है, यहाँ पर एक्स यू, मैंने इसको यू इसलिए दिखाया, यू का मतलब होता है अल्टीमेट। ठीक है, तो अल्टीमेट की वजह से यू दिखाया हुआ, आपको कई जगह पे दिखेगा यू, अब LSM में आपको यू ही दिखेगा, अल्टीमेट वाला दिखेगा। ठीक है, तो आप देखना x x u मैंने लिखा है, तो मतलब ये क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो वहां पर x a हुआ करता था, याद है, तो यहाँ पर उसको x u से दिखाया हुआ है। तो दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, x u इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वहां क्या हुआ करता था, x a हुआ करता था, याद है, इसमें ये अल्टीमेट होता है इसलिए इसको u से दिखाएगा। तो ये वो सेम चीज है, ये स्ट्रेन डायग्राम जो भी आपने देखा था, मैक्सिमम कंक्रीट में कितना है 0.035, स्टील पे कितना है एफआई अपॉन 1.15 बीएस प्लस 0.002, दैट मींस 0.87 एफआई प्लस 0.002। ठीक है, ये चीज आ गई इस लेवल पे, जहां तक वो स्ट्रेस डायग्राम पैराबोला होता है वो वहां पर स्ट्रेस कितना होता है 0.002 होता है। ठीक है, इन द कंक्रीट, तो अब इसको इसने ए बी सी डी ई पॉइंट से दिखा दिया। ठीक है, नाउ लेट अस सी, ये अभी ये क्या कर रहा है, पहले इस डायग्राम को देखिए आप, स्ट्रेन डायग्राम को, अब ये क्या कर रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब ये दो ट्राइंगल ले रहा है, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, एक ये बड़ा वाला और एक इसके अंदर वाला, तो आप खुद आइए ए बी अपॉन ए सी करूंगा तो मैं कितना आएगा 0.002 अपॉन 0.0035, सिमिलर ट्राइंगल से। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ, तो आपको इससे पता चला कि ए बी अपॉन ए सी इज नथिंग बट 4/7, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 4/7। तो एक किस्म से आपको ये पता चल गया कि जो ए बी है, ए बी है वो कितना है 4/7 ऑफ दिस टोटल डेप्थ, मतलब 4/7 ऑफ ए सी। ठीक है, ए बी इज 4/7 ऑफ ए सी, यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक है, तो ए सी क्या है हमारा बेसिकली यहां से लेके यहां तक का ए सी ये कितना है एक्स यू, तो मैं ए सी की जगह पर एक्स यू एक्स बी या एक्स यू रख देता हूँ, एक्स यू मान लीजिए इसको, ठीक है। तो मेरा ए बी की डिस्टेंस कितनी निकल आ गई है, ए बी की डिस्टेंस आपको पता चल गई इट इज 4/7 एक्स यू, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो ये ड्राइव करना आपको आती है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको ए सी की डेप्थ सॉरी ए बी पता चल गई तो क्या आप बी सी निकाल सकते हो, बी सी की डेप्थ कितनी होगी, बी सी की डेप्थ हो जाएगी टोटल ए सी माइनस ए बी, तो बी सी निकल आएगा, तो देखिए बी सी इज ए सी माइनस ए बी, सो ए सी वॉज योर एक्स यू और ए बी यहाँ पर से निकाली हमने 4/7 एक्स यू, तो ये आ गया 3/7 एक्स यू, ठीक है। तो अब आपको इससे क्या पता चला, दो डेप्थ निकल आई आपको, एक तो ए बी निकल आई यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ सॉरी यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ और दूसरी बी सी निकल आई, तो आपको क्या चीज पता चल गया कि जो पैराबोला तक की डेप्थ है जहां तक पैराबोला बन रहा है स्ट्रेन में उसकी डेप्थ कितनी है 4/7 एक्स यू यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है ये ऊपर वाला ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है ऊपर वाला इसकी डेप्थ कितनी है 3/7 है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज तो आपको कंफर्म हो गई, ये देख लीजिए 3/7 आ गई ये वाला पोर्शन, ए बी आ गया मतलब वो ये आ गया 4/7, तो डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इज 3/7, ठीक है। ये डेप्थ आपको पता चल गई, ये दो चीज आपको पता चल गई 3/7 कैसे आया, ये 4/7 एक्स क्यूब कैसे आया, ठीक है, ये आपको पता चल गया, मतलब 4/7 तक का ये पैराबोलिक है ये वाला सेक्शन और 3/7 डेप्थ तक का ऊपर से ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इस तरीके का स्ट्रेस डायग्राम होता है कुछ एलएसएम में, ठीक है। नीचे स्टील रहेगा 0.87 FI मतलब अपने मैक्सिमम परमिसिबल पे, स्टील में कोई भी कंप्रेशन नहीं रहेगा, स्टील में हम लोग टेंशन लेंगे तो टेंशन वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं टेंसाइल फोर्स लिखूं, फोर्स कितना होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया विल बी योर फोर्स, एरिया ऑफ स्टील एएसटी, स्ट्रेस 0.87 FY, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें 0.45 FC के मतलब ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट का 0.45, यहाँ तक का जो स्ट्रेस आएगा वो 0.45 FC है, वो आप लोग ऊपर देख लें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स निकालना है तो कंप्रेशन जोन में देखना पड़ेगा, देखिए ये है कंप्रेशन जोन आपका, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला कंप्रेशन जोन है। अब इसमें आपको पहले तो एक ही डायग्राम मिलता था आपको, वो ट्रायंगुलर शेप का मिलता था जो है ना, अभी आपको दो चीज मिल गई है, एक तो आपको मिल रहा है ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके के तो डायग्राम बन रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ, ठीक है। ये तो स्टील है, यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट है, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, मतलब यहाँ तक तो नीचे से न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक का पैराबोला है, ठीक है, ये थोड़ा वैसे बन गया कोई बात नहीं, ये नीचे वाला पोर्शन पैराबोला है इसको आप और ऊपर वाला रेक्टेंगुलर है, तो इसको आप टू बोल लीजिए कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, इसको आप वन बोल लीजिए, तो मान लेते हैं दो पोर्शन हो गए ना, अब एक रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया एक पैराबोलिक पोर्शन हो गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। अब फोर्स यार देखो आपको फोर्स निकालना होता तो आप इजिली निकाल लेते, बट यहाँ पर दो डायग्राम हो गए, मतलब दो शेप हो गए, एक रेक्टेंगुलर शेप है और एक ये शेप है पैराबोलिक, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को इन दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं रेक्टेंगल वाले का निकालता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इसके बीचों बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लो मैं कह रहा हूँ इसको G1 लग रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से जो सेकंड वाले पोर्शन पे लग रहा है, जो पैराबोलिक पोर्शन है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो G2 लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने शो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए G1 ये फोर्स लग रहा है रेक्टेंगल सेक्शन में और G2 पैराबोलिक सेक्शन में लग रहा है फोर्स, ठीक है, और G जो है ये बीच में, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स निकाला है मैंने, ठीक है, वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो अब आपकी अब डायमेंशन देख लीजिए, Y1 क्या है, Y1 है टॉप से लेके G1 तक की डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, G1 तक की डिस्टेंस को कहलाएगा Y1, ठीक है। Y2 क्या है, टॉप से लेके G2 की डिस्टेंस, तो टॉप से लेके G2 की डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक का ये आपका है Y2, ठीक है। और वाई बार जो ले रखा है ना, वो वाई बार है वो जी तक की डिस्टेंस है, जो जी फोर्स मेरा रिजल्टेंट लगा है बेसिकली, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वाई बार होगा, ठीक है। अब ये चीज आपको पता चल गई, टॉप से G1 तक का Y1 है, टॉप से G2 तक का Y2 है, ठीक है, डिस्टेंस। अब देखिए नीचे इसने कैसे निकाला, अब आपको पता है फोर्स निकालना आपको, तो फोर्स आप किस तरीके से कर सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया से कर सकते हो आप फोर्स निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका इसमें इस तरीके से दिया है कि विड्थ ऑफ द बीम इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो उसको, किसी भी तरीके से आप विड्थ मान लो बी इंटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखो क्या है, G1 के लिए G1 रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया कितना होगा 0.45 FC के
और इसकी डेप्थ 3/7 XU, देख लो यहाँ पर उतना ही होगा 3/7 XU, 0.45 FCK इंटू 3/7 XU, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको. सो दिस विल गिव यू दिस वैल्यू. अगर आप उसको आगे सॉल्व करोगे तो 0.198 FCK, ये सिंपल है, इसको इसको सॉल्व किया बस सिंपल, ठीक है. तो ये G1 फोर्स आपका निकल आया, ठीक है. Y1 डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, Y1 कितना होगा खुद ही देख लो, Y1 टॉप से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी सेंटर तक का, तो मतलब इस वाली डेप्थ का हाफ होगा, तो इस वाली डेप्थ कितनी है 3/7 का हाफ होगा, 3/7 XU का हाफ, तो 3/7 XU का हाफ कितना हो जाएगा 3/14 XU, तो Y1 भी आपको मिल गया. उसी तरीके से आप G2 देख लो, G2 क्या है आपका, पैराबोलिक है, ठीक है. अब इसका एरिया, इसका इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, विड्थ इनटू द एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम. तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम देखिए क्या है, विड्थ तो बी है आपकी, वो आपको पता है दिस इज योर विड्थ है, ठीक है. बी जो मैं लिख रहा हूँ ये विड्थ है, ये वाली विड्थ है. सो दिस विड्थ इनटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रेस डायग्राम. तो एरिया क्या है इसका, ये एरिया है, पैराबोलिक एरिया है. अब पैराबोला का एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग, पैराबोला का एरिया आप पता है किसी को कैसे निकालना होता है, ठीक है, अगर नहीं पता तो देख लीजिए. तो पैराबोला का एरिया क्या होता है, यू विल टेक 2/3 ऑफ द डेप्थ 2/3 ऑफ द जो उसका ऊपर वाली विड्थ है, सॉरी ऊपर वाला जो डायमेंशन है और उसकी डेप्थ जो है 0.45 FCK इंटू 4/7 XU, देख लीजिए यहाँ पे. सो यू विल टेक एरिया ऑफ पैराबोला विल बी 2/3 ऑफ दिस डायमेंशन 0.45 FCK इंटू दिस डायमेंशन, ये कितना 4/7 of XU, तो देख लीजिए वो लिखा हुआ नीचे 2/3 of 0.45 FCK इंटू 4/7 XU. तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 0.17 FCK BXU आ जाएगा, ठीक है. तो G2 भी आपको पता चल गया, Y2 क्या था, Y2 was the distance from top to this portion, ठीक है. तो ये portion कितना रहता है, ये ऊपर वाला portion अगर आप पता लगा लो तो आपको Y2 पता चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये डिस्टेंस आपको पता है, ये वाली आपको सिर्फ ये वाली डिस्टेंस पता लगानी है बीच में. तो 3/7 XU तो है ही है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, प्लस आपको अगर ये वाली डिस्टेंस पता लग जाए ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सिंपली इतनी डिस्टेंस, तो आप उसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा. सो 3/7 XU तो पहले से था, प्लस ये होता है 3/8 of 4/7 XU. तो 3/8 मतलब यहाँ से यहाँ तक का, अगर आप पैराबोला को मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर ये पैराबोला है इसके यहाँ से यहाँ तक का फोर्स लग रहा है लेट अस से G2, तो जहां पर ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है 3/8 और नीचे की डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस होती है 5/8, ठीक है. तो इस पोर्शन पे ये टॉप से 3/8 पे लगता है, बॉटम से 5/8 पे लगता है. तो ये डिस्टेंस आपको पता है 3/8 है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3/8 है प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो 3/8 प्लस 3/7 of XU, तो देख लो 3/8 इंटू 4/7 ऑफ दिस इंटू प्लस 3/7 of XU, ठीक है. तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.64 times XU. तो Y1, Y2 सब आपको पता चल गया, G1, G2 आपको पता चल गया. टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो मैंने रिजल्टेंट निकाला था जी, वो होता है G1 प्लस G2. इन दोनों को ऐड कर दो, जो ऊपर वैल्यूज है 1.98 और 1.74. इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो इट इज कमिंग 0.36 FCK इन बी इंटू XU. सिंपल. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जी मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स है टोटल रिजल्टेंट वो है 0.36 FCK BXU एज पर IS-456. तो IS-4 में ये आपको गिवन है, ठीक है. हालांकि आप IS-4 से डायरेक्टली ये कंप्रेसिव फोर्स निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि इसको कैसे निकालना है, देखो बहुत इजी है, मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिखा दिया, बस इसकी जरूरत पड़ती नहीं है कि मैं इसको पूरा का पूरा डिराइव करूँ, बट मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आई वैल्यू, ठीक है, सो दैट आपको पता हो कि ये जी कैसे निकाला गया, ठीक है. तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मगअप नहीं करना है आपको, वैसे चाहे तो आपको कोड में मिल जाएगी ये फॉर्मूला लिखा हुआ LSM में, ठीक है. दिस इज एन LSM लिमिटेड स्टेट मेथड कंप्रेसिव फोर्स.
तो ये आपको वहां मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, ड्राइव कैसे किया, ठीक है। तो आप ये देखोगे ऊपर से तो आपको पता चल जाएगा ऐसे मैंने ड्राइव किया। उसी तरीके से वाई बार क्या था, रिजल्टेंट था, तो रिजल्टेंट ऑफ वाई वन और वाई टू इसको कैसे निकालते हैं, जी वन इंटू वाई वन प्लस जी टू इंटू वाई टू अपॉन जी वन प्लस जी टू, पहले भी देखा हूँ। जी वन की वैल्यू आपके पास है, वाई वन भी है, वाई टू ये सारी वैल्यूज पुट कर दो तो वाई बार आती है आपकी 0.42x, वाई बार इज 0.42x, ठीक है। तो अब आप खुद निकाल लो इससे, आपको कंप्रेसिव फोर्स मिल गया जी, आपको वाई बार मिल गया, ठीक है। वाई बार उसकी डिस्टेंस है, टॉप से लेके वहां तक की डिस्टेंस है। आप टेंसाइल फोर्स तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टेंसाइल फोर्स तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस हो रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस 0.87 FY इनटू एरिया, मतलब एरिया ऑफ स्टील, तो 0.FY AST यहाँ पर देख लो वही लिखा हुआ। तो टेंसाइल फोर्स कितना है, 0.87 FY AST, ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका मेन चीज लीवर आर्म डिस्टेंस। लीवर आर्म डिस्टेंस क्या होता था, जहां पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है सी या जी जो भी है, ठीक है, वहां से लेके मान लीजिए इस केस में कुछ ऐसा था, न्यूट्रल एक्सिस ये है, ये तो पैराबोला जा रहा था और ये रेक्टेंगुलर पोर्शन था, ठीक है। तो मान लीजिए इसका ये जो रिजल्टेंट आया वो जी आया है, सी आया जो भी था, जो जी लिखा था, और टी जो है टेंसाइल फोर्स है, जी जो है कंप्रेसिव फोर्स है, तो लीवर आर्म डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी लीवर आर्म डिस्टेंस होगी। तो अगर आप ऊपर डायग्राम देखोगे तो आप निकाल दोगे इसको कैसे, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहां से लेके टॉप से लेके स्टील तक के डिस्टेंस को इफेक्टिव डेप्थ बोलते थे डी, वो आपने देखा है पहले से, ठीक है। और अगर आप उससे ये माइनस कर दो, ये वाला पोर्शन अभी हमने निकाला था, ये वाला वाई बार, ठीक है, टॉप से लेके जी तक की डिस्टेंस वाई बार थी, तो डी माइनस वाई बार करोगे तो ये एरिया, ये वाला पोर्शन आ जाएगा विच इज नथिंग बट योर लीवर आर्म। तो डी माइनस वाई बार, वाई बार कितना है देख लो ऊपर, वाई बार इज 0.42 XU, तो 0.42 XU आप करोगे तो आपका लीवर आर्म डिस्टेंस आ जाएगा। अब लीवर आर्म डिस्टेंस हमारा निकालने का मकसद क्या था, आपको याद होगा WSM में हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद है, मूवमेंट क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, वो तो उसमें ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता था, लीवर आर्म डिस्टेंस तक कर लेते थे ना। तो ये फोर्स हो गया कंप्रेसिव फोर्स साइड से, और अगर मैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से लेता था तो क्या होता था, E इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए हमने लीवर आर्म निकाल लिया ताकि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हो। तो G आपको पता है, लीवर आर्म डिस्टेंस आपको पता है ये है, उसी तरीके से T आपको पता है, टेंसाइल फोर्स आपको पता है ये है, और LA आपको पता है ये है, ठीक है। तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम वही चीज़ है जो हमने उसमें किया था, पहले हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला था XU, ठीक है, वहां पे XA दिखाते थे हम उसको, याद है WSM में इट वॉज X actual, ठीक है, यहाँ पर हम लोग XU से दिखा रहे हैं इसको। In LSM for XU, total force of compression is equated with total force of tension. WSM में याद है XA निकालने के लिए हम क्या करते थे, equating movement of area, movement of area on both side of neutral axis. याद है ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब कंप्रेशन साइड के भी साइड का मूवमेंट ऑफ एरिया निकालते थे, टेंशन साइड के भी साइड से मूवमेंट ऑफ एरिया निकालते थे, ऑन बोथ द साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला करते थे। इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया LSM में, ठीक है, तो ये WSM में हुआ करता था। LSM में क्या हो रहा है, LSM में अगर आपको XU निकालना है, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है, तो टोटल फोर्स इन कंप्रेशन इज इक्वेटेड विद टोटल फोर्स इन टेंशन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो कंप्रेशन फोर्स है उसको इक्वल कर देना है टेंशन फोर्स के, आपका आंसर निकल आएगा। तो कंप्रेशन फोर्स ऊपर निकाला था आपने, देख लीजिए फिर से जी, अब ये ना ये वैल्यू आप ध्यान में रख लो, इसको घोट लो दिमाग में बिल्कुल, 0.36 FCK B into XU, बस ये हमेशा आपके मुंह पे रहना चाहिए कि कंप्रेशन साइड में कितना फोर्स होता है, 0.36 FCK B into XU। तो आप कहीं पर भी मैं बोलूँ कंप्रेशन साइड में कितना फोर्स होता है, आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 0.36 FCK B into XU। टेंशन साइड में कितना होता है, 0.87 FY AST, ठीक है, ये देख लो फिर से 0.87 FY AST, सब ऊपर ड्राइव कर रखा हमने, फाइन। सो XU यहाँ से आप निकल सकते हो, सो XU विल बी द एक्चुअल डेप्थ, जो इसके नीचे दिस अपॉन दिस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्चुअल डेप्थ निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी अभी बताया मैंने, जी टाइम्स लीवर आर्म डिस्टेंस, फोर्स इंटू लीवर आर्म डिस्टेंस, तो आप निकाल दो, ये हो जाएगा कंप्रेशन साइड से
कंप्रेशन साइड से ये हो जाएगा क्या होता है जी कितना था 0.fck b into xu लीवर आर्म डिस्टेंस d minus 0.4 टाइम्स xu सिंपल. उसी तरीके से अगर मैं टेंशन साइड से निकालूं तो टेंशन कितना था 0.87 fiest into लीवर आर्म डिस्टेंस 0 minus d minus 0.42 xu. तो आप किसी भी साइड से मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस निकाल लो टेंशन और कंप्रेशन किसी भी साइड से निकाल लो आंसर सेम आएगा. जैसे WSM में होता था वैसे ही सेम LSM में. ठीक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप चाहे तो कंप्रेशन साइड से निकाल लो चाहे तो आप टेंशन साइड से निकाल लो आंसर विल बी सेम. बस आपको वही कंसेप्ट वही चल रहा है बस देखो फॉर्मूले में डिफरेंस आ गया है. ठीक है वहां हम लोग डिजाइन करते थे परमिसिबल स्ट्रेस हम लोग लेते थे वर्किंग स्ट्रेस को जैसे M20 के लिए हम लेते थे कि 7 तक ही जाएगा सिग्मा सीबीसी तक का जाएगा. इसमें हम लोग लेते हैं लिमिट स्टेट में लिमिट तक का लेते हैं. ठीक है लिमिटिंग बोलते हैं उसको लिमिटिंग और लिमिट कितनी होती है एफ सी के मतलब M20 में है तो 20 न्यूटन पर मीटर तक का जाएगा ये समझ लो. तो इस तरीके से हम लेते हैं और स्टील देखो एफ आई है यील्ड तक का जाएगा. एफ ई 415 है तो एफ आई की वैल्यू कितनी होगी 415. ठीक है तो ये अपने यील्ड तक का जा रहा है जबकि वहाँ हम लोग सिग्मा एस टी यूज कर रहे थे डब्ल्यू एस एम याद है सिग्मा एस टी 415 के लिए कितना लेते थे बताओ सिग्मा एस टी एफ ई 415 के लिए कितना लेते थे हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एफ ई 415 के लिए 230 कंफ्यूज हो रहे उसमें 30 सर यंग हाँ आए हाँ तो सॉरी ना सॉरी फॉर डिस्ट्रूट कितना बोला आपने एफ ई 415 के लिए सिग्मा एस टी कितना लेते थे 230 एग्जैक्टली. तो देखो ना आप उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 415 उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी जितना वो जा सकता था लेकिन हम जा कितना रहे थे 230 जा रहे थे सिर्फ है ना. बट इसमें ऐसा नहीं है इसमें देखो हम उसकी पूरी लिमिट तक का जा रहे हैं हम लोग उसके एफ वाई तक का जा रहे हैं. एफ आई इज 415 अगर 250 होगा तो एफ आई 250 हो जाएगा जबकि हम वहाँ 250 में कितनी स्ट्रेंथ लेते थे 130 लिया करते थे. ठीक है तो ये फर्क है वो वर्किंग स्ट्रेस में हम काम करते थे या लिमिट स्टेट में काम कर रहे हैं यहाँ पूरी लिमिट यूज कर रहे हैं उसकी. ठीक है इसलिए नाम पड़े हैं ये मेथड्स के. तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. देखो लिमिटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिमिट स्टेट मेथड है इसमें लिमिटिंग डेप्थ बोला जाता है. वहां हम क्या बोलते थे एक्स सी बोलते थे क्रिटिकल डेप्थ याद है एक एक्स ए होता था एक्चुअल डेप्थ और एक होता था क्रिटिकल. ठीक है क्रिटिकल डेप्थ होता था और एक होता था एक्स ए डब्ल्यू एस एम में वो होता था एक्चुअल एक्चुअल. ठीक है इसमें क्या क्या हो रहा है एक्स ए जो हुआ एलएसएम में वो क्या हो गया एक्स यू हो गया सिंपल और जो एक्स सी था क्रिटिकल डेप्थ जो था उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ. ये हो गया एक्स यू लिमिटिंग एल आई एम लिमिटिंग ऐसे लिखते हैं. ठीक है सो इसको अब हम क्रिटिकल डेप्थ ना बोल के क्या बोलते हैं लिमिटिंग डेप्थ एल आई एम लिमिटिंग डेप्थ इसलिए एल आई एम लिखा हुआ. तो देख लो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये तो वही डायग्राम है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है एक्स यू लिमिटिंग मतलब ये एक्स क्रिटिकल डेप्थ जो हुआ करती थी ना उसको मैं लिमिटिंग डेप्थ बोल रहा हूँ यहाँ एल एस एम में इसको लिमिटिंग डेप्थ बोला जाता है. ठीक है इसका स्ट्रेन डायग्राम देख लीजिए आप लोग स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया कॉन्क्रीट और मैक्सिमम कितना होता है 0.0035 राइट लेना इस वैल्यू को. ठीक है और स्ट्रेन साइड में कितना होता है एफ आई अपॉन 1.15 ई एस प्लस 0.02 या फिर 0.87 एफ आई प्लस 0.002. ठीक है ये दो वैल्यूज तो आप रट लेना एकदम से स्ट्रेन कई बार पूछा जाता है. सो दिस वन इज बेस्ड ऑन स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है लिमिटिंग डेप्थ निकालना. सो एक्स यू लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ स्ट्रेन शुड बी मैक्सिमम. ठीक है वैल्यू ऑफ स्ट्रेन शुड बी एट मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यूज. तो जैसे कि उसमें था क्रिटिकल डेप्थ में क्या होता था सिग्मा जो सी होता था वो अपने सी एक्चुअल जो होता था वो कितना होता था क्रिटिकल में सिग्मा सी बी सी. मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको थोड़ा कंपैरिजन कर पाओ. सिग्मा सी बी सी के इक्वल होता था और टी एक्चुअल कितने के इक्वल होता था लिमिटिंग या बैलेंस सेक्शन में जो होता था क्रिटिकल वाले केस में सिग्मा एस टी के इक्वल होता था. ठीक है और क्या चीज़ होती थी एक्स ए इक्वल टू एक्स ये सारी की सारी बैलेंस वाली की कंडीशन थी. ठीक है बैलेंस सेक्शन सिंपल ये सारी कंडीशन थी. तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेन शुड बी एट मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यूज. तो इस वाले केस में तो वर्किंग में होती थी इस वाले में लिमिटिंग में होगी. ठीक है लिमिटिंग वैल्यूज आपको बताया M20 के लिए कितना है एफ सी के लिए और स्टील के लिए कितना है एफ वाई है लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है तो ये कह रहा है कि दोनों में से अपने मैक्सिमम में होनी चाहिए. ठीक है मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यूज में होनी चाहिए.
तो सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लो, आपको क्या निकालना है, एक्सियल लिमिटिंग निकालना है ना। अगर मैं आपसे कहूँ ये डेप्थ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ डी है, तो आप ये दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व कर लो, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक बार नीचे वाला ट्रायंगल ले लो ये वाला। तो सिंपल है, एक्स यू लिमिटिंग अपॉन दिस डेप्थ, ये वाली डेप्थ आपको पता है, ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी माइनस, ये टोटल डेप्थ है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का तो डी है, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग, दिस विल बी योर ये वाली डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग ये डेप्थ हो जाएगी, तो एक्स यू लिमिटिंग अपॉन डी यू, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 0.035 अपॉन एफ आई, ये आ गया। सिमिलर ट्रायंगल को आपने सॉल्व किया है, ठीक है। इसको आप आगे पीछे करो थोड़ा सा, मतलब इसको मैंने क्या किया है, इस वाली वैल्यू इसको ऊपर ले लिया और इसको नीचे ले लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, बड़ी सिंपल चीज़ है। तो डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग को मैं ऊपर ला गया, एक्स यू लिमिटिंग को नीचे ला गया, तो इसमें भी ये होगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम कुछ नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। अब आप देखोगे डी अपॉन, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग माइनस एक्स यू लिमिटिंग अपॉन एक्स यू लिमिटिंग वन हो जाएगा, तो डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग माइनस वन होगा, माइनस वन इक्वल्स टू इधर जाएगा तो प्लस वन हो गया, ठीक है। बाकी ये चीज़ सेम है जो ऊपर थी, इसको फर्दर सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इसको फर्दर आप सॉल्व करो, इसको जैसे मैथमेटिक्स करते हैं बेसिकली। तो डी अपॉन एक्स यू लिमिटिंग आपका एट द एंड आएगा 0.87 एफ आई प्लस 110 अपॉन 700, ठीक है। अब आप एक चीज को लिमिट, एक चीज को आप समझिए यहाँ पे, इसमें वापस से इसने उसको रिवर्स कर दिया है, एक्स यू लिमिटिंग ऊपर ले लिया और डी नीचे ले लिया, एक्स यू लिमिटिंग ऊपर डी नीचे, ठीक है। तो सिंपल ये आ गया 700 अपॉन 0.87 एफ आई प्लस 1100 सॉरी इक्वल्स टू के, इस वैल्यू को के इक्वल रखा है, ये वाली वैल्यू के इक्वल्स टू दिस वैल्यू जो यहाँ की बची हुई वैल्यू। तो अब आपको एक चीज याद आ रहा होगा, वहां पे हम लोग डब्ल्यू एस एम में के कितना देते थे, याद है, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी देते थे ना। यहाँ पर देखिए के क्या हो गया, के हो गया 0.87 एफ आई प्लस 1100, वहां पर हम लोग एक्स सी क्या लेते थे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने क्रिटिकल डेप्थ का, एक्स सी इक्वल टू के डी, एग्जैक्टली एक्स सी इक्वल टू के डी था। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स सी की जगह पर मैं एक्स यू लिमिटिंग लिखता हूँ लिमिट स्टेट मेथड में, और ये अगेन के है, एक्स यू अपॉन डी है, तो डी को मैं के साथ ले जा रहा हूँ, एक्स यू अपॉन के डी हो गया, आ गया वही चीज़ तो आ गई सेम जो पहले पड़ी थी, बस फर्क क्या है, यहाँ पर के था ये वाला, यहाँ पर के है ये वाला वैल्यू, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी, एक्चुअली ये भी ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी, ये और सिंप्लीफाई हो जाता है आगे आगे देखिए आप। तो आप देखो के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये सारे तो कांस्टेंट है 700, ये वो सब कांस्टेंट है, एक ही चीज है जो डिफरेंट है, वो क्या है, एफ वाई, और एफ वाई क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है किसकी होती है, स्टील की होती है। तो आप देख लो जब आप एफ वाई 250, मतलब जब यील्ड स्ट्रेंथ ये वाला होगा एफ ई 250 के लिए, ठीक है, एफ ई 250 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, एफ वाई होता है 250, ठीक है। तो आप देख लो जब आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो K की वैल्यू क्या होगी, K इक्वल्स टू एक्स यू अपॉन डी, मतलब ये सेम चीज़ है। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 अपॉन 0.87 इंटू 250 यहाँ पर रिप्लेस कर दो और इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखना, ये आएगा 0.53, सिंपल, ठीक है। तो एक्स यू लिमिटिंग कितना हो जाएगा, एक्स यू लिमिटिंग इक्वल्स टू KD आया आपको 0.53 और डी आ गया, सिंपल। और वैसे आपको पता, अगर आप स्टील डिजाइन कर रहे हो एफ ई 415 के लिए, आपको क्वेश्चन में किया कि आपको एफ ई 415 यूज करना, तो आपको पता है यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 415 होगी, यहाँ पर 415 की वैल्यू पुट कर देना, वो आएगा 0.48, सो एक्स यू लिमिटिंग विल बी 0.48 टाइम्स डी। उसी तरीके से एफ ई 415 एफ ई 500 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होगी 500, तो एक्स यू अपॉन डी विल बी 0.46, तो ये आगे 0.460। तो आपको ना बेसिकली ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत है, आप तीन चीजें याद कर लो, तीन ही टाइप की स्टील बेसिकली ज्यादातर हम यूज करते हैं, ये तीन होती है, ठीक है, एफ ई 500। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि एफ ई 250 से डिजाइन करो, तो आपको एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए, के डी, के 0.53, अगर एफ ई 415 के लिए आ गया तो के 0.48, अगर एफ ई 500 के लिए आ गया तो के 0.46। तो तीन वैल्यू तो आप याद ही कर सकते हो,
आराम से याद हो सकती है आपको इतनी वैल्यू, ठीक है। तो Fe 250 जहां पर भी दिखेगा तो समझ जाना XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, मतलब लिमिटिंग डेप्थ कितनी हो जाएगी KD, और K हो जाएगा 0.53। देखो ये कम होते जाते हैं जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, K कम हो रहा है। 250 थी तो ये 0.53 था, जब थोड़ी सी और बड़ी 415 हो गई तो ये घट गया 0.48, जब 500 था तो और घट गया 0.46। तो आपको तीन वैल्यू याद रखनी K की, 0.53, 0.48 एंड 0.46, तीन वैल्यू याद रखनी, ठीक है। अभी हर जगह पे काम आएगा आपको। तो XU लिमिटिंग ये वही चीज है जो वहां क्रिटिकल डेप्थ हुआ करती थी WSL में, ठीक है। एक कंडीशन और है लिमिट स्टेट मेथड के लिए, जो XU है मतलब जो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, जो हमने पहले निकाली थी, शुड बी लेस देन इक्वल टू XU लिमिटिंग, मतलब जो क्रिटिकल डेप्थ से कम होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है, थोड़ा आगे चल के और क्लियर मैं आपको करूंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि XU जो है मतलब एक्चुअल डेप्थ जो है वो हमेशा लिमिटिंग डेप्थ से कम होनी चाहिए या उसकी इक्वल होनी चाहिए। इट शुड नेवर नेवर एवर बी ग्रेटर देन XU लिमिटिंग। तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो कभी भी XU लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कंडीशन है लिमिट स्टेट मेथड। समझ में आ गया, ये अभी कंडीशन। अभी इस कंडीशन का यूज नीचे होगा, कहां पर होगा थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। आप थोड़ा सा रिवीजन करते हैं WSM का। जब मैं आपको बोलता था XA equals to XC, तो ये कौन सा सेक्शन होता था बताइए? बैलेंस। ओके, जब मैं बोलता था XA is less than XC तो ये कौन सा होता था? अंडर रेनफोर्स। अंडर रेनफोर्स। और जब मैंने आपको बोला था कि XA greater than XC होगा तो क्या होगा? ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड होगा। इसमें भी सेम ये चीज होगी, तीनों कंडीशन ले लेते हैं। XA क्या होता है मेरा यहाँ पर? XU होता है। जब XU equals to XC को हम यहाँ पर लेते हैं XU limiting, XU limiting, जब ये होगा कंडीशन तो क्या कहलाएगा? बैलेंस सेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से XU जब लेस देन XU लिमिटिंग होगा तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? सेम वही कंडीशन है, अंडर रेनफोर्स। और जब XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। ये सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बोला कि XU कैन नेवर बी ग्रेटर देन XU लिमिटिंग, तो ये कंडीशन तो कभी आई नहीं सकती, यही तो मैंने बोला LSM में। तो इस केस में आप क्या करेंगे ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इससे आगे मैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है मैं उसको बताऊंगा उसको, ठीक है। तो ये चीज तो कॉमन रहती है, दिस इज XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग, तो ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। XU अगर छोटा हो जाता है XU लिमिटिंग से तो बचा एक्चुअल डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ से छोटी हो जाती है तो अंडर रेनफोर्स होता है। बट अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी कि XU कभी भी XU लिमिटिंग से बड़ा नहीं होना चाहिए, LSM ने कहा है। तो अगर XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग तो ओवर रेनफोर्स होता था, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे इसकी जगह, ठीक है। हम उसको बेसिकली क्या करते हैं, XU लिमिटिंग में ही लिमिट कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं तीनों सेक्शन पढ़ाऊंगा आपको, LSM से अंडर रेनफोर्स, बैलेंस और ओवर रेनफोर्स, तो आपके समझ में आते हैं, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ उसको WSM से LSM को, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो काफी कुछ सिमिलर है, बस फॉर्मूले में चेंजेस है, मेरे ख्याल से चीजें वही है, नोटेशन अलग हो गए हैं, फॉर्मूला चेंज हो गया, बिकॉज वहां पर हम वर्किंग स्ट्रेस के लिए काम करते थे, यहाँ पर हम लिमिट स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, लिमिट तक का जा रहे हैं उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अभी फिर हो गया टाइम, अभी 11:30 आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, ठीक है। तो ये डिजाइन हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके
सो अभी हम लोगों ने जो देखा वो बेसिक डिजाइन कंसिडरेशन है, जैसा कि जैसा जैसा हमने डब्ल्यू एस एम में किया था ना एग्जैक्टली वो चीज़ें हम एल एस एम में कर रहे हैं, बस फॉर्मूला चेंज होते जा रहे हैं और फिलोसफी कुछ कुछ उसी तरीके की, फिलोसफी भी बेसिकली चेंज हो रही है, तभी वो दो अलग डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। बट आप उन दोनों को रिलेट कर सकते हो, जैसे जैसे आपने डब्ल्यू एस एम पढ़ लिया है, ठीक है, और मैं उसको एल एस एम बता रहा हूँ तो मैं आपको दोनों का कंपेरिजन बता रहा हूँ कि वहाँ क्या होता था और यहाँ क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आगे डिजाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ एल एस एम जो डिज़ाइन है वो मॉडर्न टाइम की डिज़ाइन है, मतलब आजकल आप सारी चीज़ें जो भी है बीम कॉलम फाउंडेशन और स्लैब वगैरह सब कुछ एल एस एम से डिज़ाइन करते हो बेसिकली, ठीक है। और वो बात अलग है कि हमारे सिलेबस में हम लोगों को डब्ल्यू एस एम भी यूज़ करनी है, सो दैट आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों में क्या है। बट आजकल के टाइम में अगर आप कंसल्टेंट बनते हो या फिर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको जो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एल एस एम मैथड, ठीक है। तो एल एस एम मैथड मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और ईजी है ज़्यादा, डब्ल्यू एस एम के कंपेरेटिव मुझे ज़्यादा ईजी लगती है कि इसमें कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको अगर याद हो जाए, नहीं भी याद हो मैं तो आपको एज कोड में मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन डिराइव करना आना चाहिए, जो मैंने आपको आज डिराइव करके बताएं कि कैसा फॉर्मूला कैसा आया, अगर आप वीडियो को दोबारा से रिव्यू करेंगे, इफ़ यू गो थ्रू दिस वीडियो और उसको आप एक बार पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे और खुद से सॉल्व करने लगेंगे ना, यू विल डेफिनेटली गेट दीज थिंग्स। कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस रखती हो, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिएगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट आता है तो अगेन मैंने आपको बोला है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और आई विल क्लियर दैट डाउट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मे बी आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम शुरू होने वाला है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।